के कप्तानों को सारे पहचानेंगे, राम राम चिल्लाएंगे। एक बार फिर मुसलमानों पर साधा गया निशाना, एक बार फिर मुसलमानों को खुलकर दी गई धमकी, खदेड़ देने का कर दिया ऐलान। हरियाणा में डंके की चोट पर नफरत की नुमाइश करने में जुटे रहे मुट्ठी भर लोग, चीख चीख कर किया गया ऐलान। इलाके में घूम घूम कर उगली गई गंदगी, मुसलमानों पर टूट पड़ने का कर दिया ऐलान। दहशत में मुसलमान, जिस हरियाणा में मुट्ठी भर मवालियों ने कानून को खूंटी पर टांग दिया था, जिस हरियाणा में लुच्चों की फौज ने कानून की धाराओं को जूतों के तले कुचल दिया था, जिस हरियाणा में संविधान के एक एक अनुच्छेद को बंदूक की नोक पर नीचा दिखाने का काम किया जा रहा था, उसी हरियाणा के अंदर खुलेआम गुंडई की नुमाइश की जा रही, इलाके में घूम घूम कर धमकी दी जा रही। खाली करते हैं हंसी को, वरना उसके बाद जो कार्रवाई होगी उसके जिम्मेवार तुम होगे। ये खान खोल करके सुन लेना, इन रेडी वालों में केवल हिंदू रहेंगे, कोई मुसलमान बाहरी रेडी वाला होगा तो उसके साथ जो इंजाम होगा दो दिन बाद उसका जिम्मेवार वो खुद होगा। तो भगवा रंग में रंगे लोगों ने लाउड स्पीकर से कर दिया ऐलान कि जितने भी है मुसलमान खाली कर दे मकान और दुकान, क्योंकि हिंदुओं का है हिंदुस्तान। इनकी धमकी को किसी ने हल्के में भी लिया तो यकीन मानिए हर्ष बुरा, बहुत बुरा हो। खाली करते हैं हंसी को, वरना उसके बाद जो कार्रवाई होगी उसके जिम्मेवार तुम होगे। ये खान खोल करके सुन लेना, इन रेडी वालों में केवल हिंदू रहेंगे, कोई मुसलमान बाहरी रेडी वाला होगा तो उसके साथ जो इंजाम होगा दो दिन बाद उसका जिम्मेवार वो खुद होगा। गांव सवेरा नाम के ट्विटर हैंडल ने इस वीडियो को पोस्ट किया और लिखा है कि हरियाणा के हांसी में बजरंग दल के लोगों ने मुस्लिम समुदाय को शहर खाली करने की धमकी दी। यानी जो हरियाणा धधक उठा था, यहाँ वहाँ आगजनी हो रही थी, उसी हरियाणा में बजरंग दल के लोग घूम घूम कर मुसलमानों को खदेड़ने का ऐलान कर रहे हैं। नू में हुई हिंसा के बाद सच सच बताना हिम्मत है किसी मुस्लिम की जो ऐसी रैलियां निकाल सके, ऐसे हिंदुओं को धमका सके? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये ताकत, ये हिम्मत ऐसे मवालियों को कैसे मिलती जो पुलिस माहौल खराब करने वाले एक एक शख्स की तलाश कर रही है? क्या उनकी नजर ऐसे लोगों पर नहीं पड़ती जो बीच बाजार मुसलमानों को धमकी देते हैं? खाली करते हैं हंसी को, वरना उसके बाद जो कार्रवाई होगी उसके जिम्मेवार तुम होगे। ये खान खोल करके सुन लेना, इन रेडी वालों में केवल हिंदू रहेंगे, कोई मुसलमान बाहरी रेडी वाला होगा तो उसके साथ जो इंजाम होगा दो दिन बाद उसका जिम्मेवार वो खुद होगा, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। जय श्री राम को सारे पहचानेंगे, राम राम चिल्लाएंगे। ये कैसे मुमकिन हो सकता है, ये लोग चीख चीख कर मुसलमानों के खिलाफ गंदगी उड़ेलते रहे और सड़क से लेकर सोशल मीडिया को खंगालने वाली पुलिस को भनक न लगी? खैर, याद तो होगा ही, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने तो पहले ही कह दिया था कि वो और किसी की सुरक्षा नहीं कर सकते। यानी कुल मिलाकर ऐसे लुच्चे, ऐसे लफंगे, ऐसे मवाली और ऐसे गुंडे यूं ही हरियाणा की सड़क पर घूमते रहेंगे। अब मुसलमानों को देखना है कि उनको अपनी रक्षा कैसे करनी। स्पेशल डेस्क द कंटा।